सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज जो ये सम्मेलन बनारस की ऐतिहासिक धरती पर हो रहा है, माननीय शरद यादव जी को यहाँ पर आना था लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, इस वजह से हमारे बीच में वो नहीं आ पाए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मंडल का कार्यक्रम विभिन्न मंडलों में चल रहा है और पूरे भारत के 6 राज्यों में लगातार इस तरह से सम्मेलन हो रहे हैं। बहुजन क्रांति की यात्रा चल रही है और जिस तरह से समाज जागरूक हो रहा है, पूरे देश में, पूरी दुनिया के, चाहे जहां भी हो अपने बहुजन समाज के लोग, वो पूरी तरीके से आपके अगुआ माननीय वामन मेश्राम साहब को समर्थन कर रहे हैं। अभी विदेशों में जाते हैं तो महीने भर का इनका कार्यक्रम होता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, पूरी दुनिया के बहुजन माननीय वामन मेश्राम साहब को समर्थन कर रहे हैं। हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें जो इस आज जो बनारस की गंदगी थी, उस गंदगी को प्रकृति ने धोने का काम किया। वामन मेश्राम साहब के आने से आज ये गंदगी साफ हो गई। आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, इतनी भारी बारिश में आप लोग बहुत हिम्मत और ताकत के साथ आप खड़े रहे। हमें पूरा विश्वास है कि ये जो आंदोलन, बहुजन आंदोलन, जो क्रांति का आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को निश्चित रूप से आप अपने अंजाम तक पहुंचा कर रहोगे। आपकी हिम्मत और हौसले ये बताते हैं कि आप में कितनी ताकत, कितनी ऊर्जा है। अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग होते तो अगर 4 बूंदी भी पड़ जाती तो यहाँ से वो भाग लेते, वो देर ना लगाते। लेकिन चूंकि आप क्रांतिकारी लोग हैं, आंदोलनकारी लोग हैं, आप एक कैडर में प्रशिक्षित लोग हैं, चाहे आंधी पड़े, चाहे पत्थर पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बहादुर बहुजन समाज के लोग, ये बहादुर बहुजन समाज के लोग ये क्रांति के लिए यहाँ पर आए हैं। इनकी संख्या चाहे इतना हो, चाहे इससे ज़्यादा हो, चाहे इससे कम हो, इन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 10 रहेंगे तब भी लड़ेंगे, 1000 रहेंगे तब भी लड़ेंगे, इन्हें इनके हिम्मत और हौसले में कोई कमी आने वाली नहीं है। ये आज आप लोगों ने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। साथियों, आज जो देश की स्थिति है, वो देश की स्थिति आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से पूरे भारत में एक कोहराम मचा हुआ है। जो बनारस से जीत करके ठगाहार प्रधानमंत्री जो यहाँ से गए हैं, जिन्होंने कहा कि हमें गंगा मैया ने बुलाया है, आज ना तो गंगा मैया की सुध ले रहे हैं और ना अपने वादों की सुधि ले रहे हैं, ना हमारे गरीब जनता की सुधि ले रहे हैं। इसलिए हम आपसे बताना चाहते हैं कि ये बेईमान लोग हैं, ये ठगहार लोग हैं, ये आपसे अभी उन्होंने अपने सांसदों से कहा है कि जहां बाबा साहब की मूर्ति हो, जाकर के पानी से उसको कपड़ा लेकर के उनके चरण धो, उनकी मूर्तियों को धोने का काम करो। तमाम सांसद फोटो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे वायरल कर रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति को धोते हुए, उनके चरण को धोते हुए। ये कितने बेईमान लोग हैं जो इस समाज के अधिकार को छीनते हैं और उनकी मूर्ति को धोने का काम करते हैं। ये समझते हैं कि अब भी बहुजन समाज के लोग वैसे ही अनपढ़ और गंवार हैं। उन्हें नहीं मालूम कि ये बहुजन समाज के लोग, जो दुखी पीड़ित लोग, इतनी इनकी उपेक्षा हुई है कि उन्हें सब मालूम है। बेईमानों, तुम चाहे जितना अपने चालाकी से इनको लुभाने की कोशिश करो, मगर ये बहुजन समाज अब समझ चुका है कि इनका अगुआ कौन होना चाहिए, किसके साथ इन्हें रहना है। ये आपके इस फर्जी ढकोसले में आने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, आने वाला जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे संगठनों से आपके नेता की बात चल रही है। बहुत बड़ा मोर्चा बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश की धरती पर, पूरे देश की धरती पर बहुजन क्रांति मोर्चा की अगुवाई में बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने की बात चल रही है। बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा और भारत से जो बेईमान लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बेईमान लोग हैं, जिन्होंने मामलन सिंह के नाम पर, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर कभी SC ST को जलाने का काम करते हैं, कभी SC ST को दबाने का काम करते हैं, कभी हमारे मुसलमान भाइयों को दबाने का काम करते हैं, कभी उनको जलाने का काम करते हैं, जो देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं,
उनसे हम बताना चाहते हैं। ये बहुजनों की अब लड़ाई शुरू हो चुकी है माननीय वामन मेश्राम साहब की अगुवाई में। अभी दिल्ली में कार्यक्रम होने जा रहा है, दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ एक बड़ी रैली होने जा रही है, उत्तर प्रदेश की धरती पर एक बड़ी रैली होने जा रही है। बहुजन क्रांति मोर्चा पूरे देश में जिस तरीके से बहुजन क्रांति मोर्चा के समर्थक, बहुजन क्रांति मोर्चा के साथी मजबूती से पूरे देश में लगे हुए हैं। अभी कच्छ और भुज में कल भवन में श्राम साहब की सभा थी, भारी शानदार, वहां के लोगों ने मेहनत करके और कार्यक्रम का आयोजन किया और पूरे गुजरात में एक नया मैसेज जा रहा है, पूरे गुजरात की जनता को दिख रहा है किस तरीके से बहुजन क्रांति मोर्चा लगातार पहली जनवरी से भीमा कोरे गांव से जो लड़ाई शुरू हुई है वो लड़ाई अब बंद नहीं होगी जब तक असली आजादी को हम लोग लेकर के रहेंगे। ये लड़ाई अब बंद होने वाली नहीं है। ये क्या समझते हैं कि हम इनको बेवकूफ बना करके इनका वोट लेकर के हम फिर से राज कर लेंगे? ये किस गफलत में पड़े हैं? जब तक ये लड़ाई हम लोग जीत नहीं लेंगे, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोगों को इस लड़ाई को जीतने के लिए तन मन धन से, चाहे अपने घरों परिवार को हम लोगों को छोड़ना पड़े। लेकिन साथियों, एक बात याद रखना कि हमें अगर नौकरी नहीं मिलती तो हमारी एक पीढ़ी खराब होती है, हमें अगर कुछ शिक्षा नहीं मिलती हमारी एक दो पीढ़ी खराब होती है, लेकिन अगर हमें अधिकारों से वंचित किया जाता है तो हमारी हजारों साल के पीछे हमारा समाज चला जाता है। इसलिए हमें ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। अगर देश की आजादी के समय जब संविधान बाबा साहब ने लिखा था, अगर हमें हमारी संविधान में जिस तरीके से लिखा था, अगर हमें पूर्ण रूप से संविधान लागू किया जाता तो आज ये लड़ाई लड़ने की जरूरत न पड़ती। लेकिन हमें अपने अधिकारों से वंचित किया गया, इसलिए हमारे बहुजन समाज के लोग आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसलिए अधिकारों से अगर वंचित ये समाज रहेगा तो इस समाज में कभी खुशहाली नहीं आएगी, हजारों साल तक ये समाज गुलाम हो जाएगा। इसलिए अधिकारों की लड़ाई है, हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी जान पर खेल जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई को पीछे नहीं हटने देंगे। हम माननीय वामन मेश्राम साहब को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई अधिकारों की है, ये जो हमारी पीढ़ियों को दबाने की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं होने देंगे। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करेंगे। अंजाम की हमें परवाह नहीं है, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें गोलियां खानी पड़े, लेकिन हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। इसलिए मेरे बहुजन समाज के साथियों, आज इस बरसात के मौसम में आप लोगों ने जिस उत्साह का परिचय दिया है, मुझे आपको देख करके, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, आपकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। और हमें उम्मीद है कि जिस सपने को लेकर के माननीय वामन मेश्राम साहब निकले हैं, अंबेडकर साहब का जो सपना है, उन सपने को आप निश्चित रूप से उस सपने को पूरा करेंगे। मैं केवल एक शब्द कह करके अपनी बात समाप्त करूँगा कि जिनमें हिम्मत होती है वो कुदरत में दखल देते हैं, जिनमें हिम्मत होती है वो कुदरत में दखल देते हैं, राह में कांटे भी आए तो मसल देते हैं, और खौफ की दुनिया से बदलते नहीं राहें अपनी, मर्द होते हैं जो जमाने को बदल देते हैं। माननीय वामन मेश्राम साहब आपके बीच में एक मर्द लड़ाई लड़ रहा है, किसी मौके पर पीछे आप नहीं पाएंगे। हमेशा इन्होंने सड़क से लेकर के संसद तक ललकारने का काम किया है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, किसी को कभी इन्होंने डरने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर भारत का संविधान लागू करोगे, संवैधानिक अधिकारों की बात करोगे, तब हम तुम्हारी बात करेंगे, अगर संवैधानिक अधिकार छीनने की बात करोगे तो हम तुम्हारे अधिकार छीनने की बात करेंगे। क्योंकि ये 85% जनता इतनी बड़ी संख्या है आपकी, जिस दिन आप निगाहें उठा देंगे उस दिन करोड़ों करोड़ों निगाहें इन पर पड़ेंगी, तुम्हारी निगाहों के सामने इनकी निगाहें नहीं टिक पाएंगी। अगर हाथ उठा दोगे, अगर उंगली उठा दोगे, करोड़ों उंगलियां उठ जाएंगी, अगर हाथ उठा दोगे तो इनके अंजाम क्या होंगे। इसलिए साथियों, आपकी इतनी बड़ी तादाद है, आपकी इस तादाद को केवल जागने की जरूरत है। जिस दिन हिंदुस्तान, जिस दिन भारत में ये 85% लोग जाग जाएंगे, उस दिन
क्या हश्र होगा इसको आप समझ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप लोगों को आपकी बहादुरी को सलाम करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए जय मूल निवासी जय भीम।